बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो चैप्टर 1 सिग्नल्स एंड सिस्टम से है और इसमें प्राइमरीली हम क्वेश्चन नंबर 1.4 सॉल्व करेंगे, जिसके लिए मुझे के एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.4 है क्या। तो ये है हमारा क्वेश्चन 1.4 और यहाँ पे कह रहा है कि XN भी ये सिग्नल विथ XN is equal to 0 for N less than minus 2 and N greater than 4। तो आइए पहले इस स्टेटमेंट को हम समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो ये सिग्नल है, देखिए आपको पता है डिस्क्रीट सिग्नल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब N less than 2 पे वैल्यू 0 है। अब ये देखिए ये स्केल है हमारा, ये N less than minus 2, तो less than minus 2 पे ये सिग्नल 0 है। इसी तरह greater than 4, n greater than 4, तो ये 4 से आगे यानी 5, 6, 7 पे भी ये सिग्नल 0 है। तो ये हमारा सिग्नल हो गया XN। अच्छा, उसके बाद ये क्या कह रहा है, फॉर ईच सिग्नल बिलो, यानी ये दिए हुए सिग्नल, Determine the value of n for which it is guaranteed to be 0। तो आइए देखते हैं कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन, अच्छा अपनी आसानी के लिए हम ये कर लेंगे कि जो जीरो पॉइंट पे जो सिग्नल है उसको हैट पहना देंगे, रेड हैट हमने, ताकि हम इसको ट्रेस कर सकें कि ये कहाँ जा रहा है। अब जो भी वैल्यू ये दिया हो, जैसे यहाँ पे दिया है एक्स एन माइनस 7, तो इसका मतलब है कि सिग्नल जो है शिफ्टेड है। अब शिफ्टेड बाय हाउ मच, उसका बड़ा आसान तरीका है कि आप इसको इक्वल टू 0 पुट कर दें। अब इसको जब हमने 0 पुट कर दिया तो n बराबर हो गया 3 का, तो इसका मतलब है कि जो 0 पॉइंट है उसको हम शिफ्ट करके 3 पे ले आएंगे, यानी ये हैट वाले को हम 3 पे लेकर आएंगे। हेड पहले 0 पे था, इसको शिफ्ट करके हम n इज इक्वल टू 3 पे ले आएंगे। अब जो वो सवाल पूछ रहा है कि अब बताया कि n के कौन से वैल्यू के लिए ये सिग्नल 0 है, तो अब आप देख रहे हैं कि ये 1 से नीचे नीचे यानी लेस देन 1 पे भी ये 0 है और ग्रेटर देन 7 पे भी ये 0 है। तो हमारा आंसर होगा, सो फॉर n लेस देन 1 एंड n ग्रेटर देन 7 आवर सिग्नल विल बी गारंटीड 0। बिल्कुल इसी तरह से ये तमाम स्टेप्स फॉलो करेंगे, ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो आइए देखते हैं। अब ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल था, इसको हैट बनाया हुआ है। अब यहाँ पे कह रहा है कि n प्लस 4, एक्स एन प्लस 4 पे क्या होगा, तो यहाँ पे भी वही करेंगे हम कि n प्लस 4 इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो n इज इक्वल टू माइनस 4 हो गया यहाँ से। इसका मतलब है इस हैट को हम कहाँ लेके जाएंगे, माइनस 4 पे। सो हैट को हम माइनस 4 पे लेके आ गए और उसके बाद अब देखेंगे कि सिग्नल 0 कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखें लेस देन माइनस 6 पे 0 है या ग्रेटर देन 0 पे भी ये 0 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉर n लेस देन 6 एंड n ग्रेटर देन 0 दिस सिग्नल इज गारंटीड टू बी 0। और सिग्नल का नाम भी हम चेंज करते जाएंगे। अब यहाँ ये सिग्नल एक्स एन प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ तो एक्स एन था, शिफ्टेड हो गया, तो इसको हम एन प्लस 4 कहेंगे। थर्ड क्वेश्चन है एक्स इज इक्वल टू माइनस एन। तो ये आई होप आपको इसके समझ है कि एक्स इज इक्वल टू माइनस एन का मतलब है कि हम सिग्नल को फ्लिप कर देते हैं, यानी जीरो एक्सिस पे हम, ये हमारे जीरो एक्सिस पे इसको हम उल्टा देंगे। तो ये हमने करना है कि इसको इस तरफ ले आएंगे, अब जाहिर है ये उधर चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा सिग्नल, ये देखिए ये दोनों टर्म्स राइट को आ जाएंगे और ये जो चार टर्म्स है ये लेफ्ट को आ गए सारे, तो ये एक्स माइनस वन सिग्नल हो गया। और यहाँ भी आप इजीली देख सकते हैं कि फॉर लेस देन 4 ये 0 है माइनस 4 और फॉर ग्रेटर देन 2 भी ये 0 है, तो एन लेस देन माइनस 4 और एन ग्रेटर देन 2 पे ये 0 है। चौथा स्लाइटली ट्रिकी है, इसको आपने ध्यान में रखना है कि जब भी सिग्नल माइनस एन हो तो इसका मतलब है कि
रिवर्स सिग्नल, फ्लिप्ड सिग्नल जो हमने अभी देखा, यानी हम इसको लेके नहीं चलेंगे बल्कि हम जो इसका जो फ्लिप्ड सिग्नल था ये एक्स माइनस एन, इसको लेके अब चलेंगे। अब इसको क्या करना है, हमने शिफ्ट करना है। अब यहाँ पे भी वही टेक्निक कि हम इसको हम कहाँ पे लेके जाएंगे, किस तरफ लेके जाएंगे। सिंपल तरीका, इसको जीरो के बराबर पुट कर दें, एन इज इक्वल टू टू, यानी आप इसको अब राइट साइड पे लेके चले जाएंगे टू के ऊपर। तो ये देखिए हेड को हम टू पे लेके आ गए। अब यहाँ से हम पढ़ सकते हैं कि फॉर एन लेस देन माइनस टू या एन ग्रेटर देन फोर पे ये गारंटीड जीरो हो जाएगा। सो एन लेस देन माइनस टू या ग्रेटर देन फोर। और आखिरी क्वेश्चन, इसमें दोनों माइनस है, कोई मसला नहीं। यहाँ पे भी हम इसी सिग्नल को लेके चलेंगे और सिर्फ इसको इक्वल टू जब जीरो पुट कर देंगे हम, तो अब एन हो जाएगा माइनस टू, यानी इस हैट को हमने माइनस टू पे लेकर आना है। तो ये इस तरह से देखिए हैट को हम माइनस टू पे लेकर आ गए। अब देखेंगे कहाँ पे ये जीरो है। सो लेस देन माइनस सिक्स या ग्रेटर देन जीरो पे ये जीरो है। सो लेस देन माइनस सिक्स ग्रेटर देन जीरो पे ये जीरो है। तो उम्मीद है आप ये सिंपल क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। शुक्रिया।